नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। देहरादून से पहली खबर है, उत्तराखंड में बना नकल विरोधी सख्त कानून, अध्यादेश को राज्यपाल ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री धामी ने राज्यपाल का आभार जताया है। कल सीएम धामी ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी और 12 फरवरी की भर्ती पर भी अब लागू होगा कानून। परीक्षा में नकल और गैर जमानती अपराध होगा, यानी कि नकल जो भी करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नकल करते पकड़े जाने पर 3 साल की सजा होगी। तो ये सख्त अध्यादेश उत्तराखंड जैसे राज्य में लाया गया है। और आपको बता दें, 12 फरवरी को भर्ती परीक्षा हुई थी, उस मामले में जिस तरीके से जो तस्वीरें चित्रकूट से अगली खबर है, चित्रकूट बहुत सारे सवाल थे उस मामले पर भी लागू होगा। और आपको ये भी बता दें कि नकल करते अगर कोई व्यक्ति पाड़ा जाएगा तो उसको 3 साल की सजा होगी। पंकज पवार इस खबर पर जुड़ गए हैं। से अगली खबर है, पंकज, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे उसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया। और चित्रकूट से सबसे बड़ी बात ये थी कि उत्तराखंड जैसे राज्य में पिछले एक साल में जिस तरीके से भर्तियां, पेपर लीक और ये तमाम चीजें हो रही हैं, किस तरीके से नकल पूरी तरीके से, ऐसा लग रहा था कि तमाम भर्तियों को नजर लग गई और तमाम नकलची जो हैं वो पैसे देकर जो हैं अपनी नौकरी खरीदने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने इस पर चेक लगाने की कोशिश की है और अब प्रदेश का और देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाने का दावा सरकार कर रही है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर नकल जो करवाने वाले हैं, नकल जो वो नकल माफिया हैं, उन पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है उन्हें, और इसके अलावा जो नकल करेगा उसको अगले 3 साल के लिए जेल होगी और उसको तमाम परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम नकलचियों में थोड़ा खौफ तो बढ़ेगा कि आखिरकार अगर देखिए, पंकज, इस मामले में लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर था और इस मुद्दे को बड़ा हथियार बना रहा था विपक्ष, इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे थे कांग्रेस नेताओं की तरफ से। पंकज, बिल्कुल बिल्कुल, और जरूरी ये भी है कि उत्तराखंड के युवाओं के हित के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा जो देता है उसमें केवल 1-2% ऐसे होते हैं जो इस तरीके के नकलची होते हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी व्यवस्था को खराब कर देते हैं। आप ये समझिए कि पिछले एक साल में 5 भर्तियां जो है वो निरस्त कर दी गई, पेपर होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद उसको निरस्त कर दिया गया, और उसकी वजह से तमाम जो ईमानदार जो मेहनत करने वाले युवा थे उनको भी नुकसान उठाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान ना उठाना पड़े, इसलिए धामी सरकार ने ये नया नकल कानून पेश किया है। और लेकिन और देखने वाली बात ये होगी, पंकज, की कितनी ट्रांसपेरेंसी ये नकल कानून लेकर आता है। आप बने रहिए हमारे साथ पंकज। तो देहरादून में बेरोजगार संगठन के